हेलो, माय नेम इज़ उदय प्रकाश। आई एम लेक्चरर इन कैन भारती इंटर कॉलेज चित्रकूट। मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए हाई स्कूल के वीडियो बनाए हैं। लेसन वाइज आपको वीडियो मिलते जाएंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। लाइक कर लेंगे उसको, बेल आइकन को भी टच कर देंगे ताकि कि समय समय पर मेरे से आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो आइए आज लोग हम लोग देखते हैं। तो हाई स्कूल स्टडी के अंतर्गत आज देखेंगे हम लोग प्रोज का लेसन नंबर 1, द एन्चांटेड पूल। एन्चांटेड का मतलब होता है जादुई, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। पूल का मतलब होता है जलकुंड, जलाशय। द एन्चांटेड पूल, मंत्रमुग्ध कर देने वाला जलाशय या जादुई कुंड या जादुई जलाशय आप कह सकते हैं इसको। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके राइटर हैं। बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं भारत के ये, ठीक है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुआ था, ठीक है। ये राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक लॉयर भी थे, वकील भी थे, फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक पार्टी की भी स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसलिए जो है इन्हीं महान कार्यों के कारण इन्हें जो है इंडियाज मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला था। भारत रत्न, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको आप कहते हैं द भारत रत्न, ठीक है, इनसे सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। इन्हें जो है लोग मार्गो ऑफ साबिर के नाम पर भी जानते हैं। और जो प्रेजेंट लेसन इन्होंने दिया है एन्चांटेड पूल, इसे इन्होंने जो है ये जो कथा है, ये जो कहानी है, इसको इन्होंने महाभारत से एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब वहां से निकाला है, इन्होंने लिया है। महाभारत में एक कथा आती है जब 5 पांडवों को जो है 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। उस 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान जब युधिष्ठिर को प्यास लगती है तो वो अपने भाइयों को एक एक करके पानी के लिए भेजते हैं और वहां पर उनके साथ एक कुंड में एक जलाशय के पास घटना घटती है। यक्ष जो है वहां पर एक टेस्ट लेने के लिए जो है एक जादुई कुंड तैयार करते हैं और एक एक भाई वहां पर जो है मूर्छित होकर के गिर जाते हैं क्योंकि वो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। और युधिष्ठिर जब पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर जो है उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यम जो थे, यम ने जो है यक्ष का वेश बदला हुआ था और वेश बदल करके वे जो है युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो उसी कहानी को यहां पर उन्होंने दर्शाया है आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। तो आइए हम जो है लेसन को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। तो युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिरा ने इंतजार किया, वेटेड माने इंतजार करना, इन एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता में, एंड थर्स्ट का मतलब प्यास। प्यास तो लगी ही थी, साथ में अब चिंता भी बढ़ गई थी क्योंकि एक एक करके 4 भाई चले गए थे और कोई लौटा नहीं था, इसलिए प्यास और चिंता में जो है उन्होंने जो है इंतजार किया, ठीक है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कैन माने सकना, दे हैव, दे माने 4 पांडव यहां पर, दे का मतलब उनको छोड़ करके, ठीक है ना। दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट माने ग्रसित होना, टू अ कर्स, कर्स माने शाप को अभियुक्त होना, सब्जेक्टेड माने क्या वे किसी कर्स के भागी हो गए, सब्जेक्टेड टू अ कर्स। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा और माने अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग, क्या वे भटक रहे हैं, स्टिल माने अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, ठीक है ना, इन सर्च ऑफ वाटर माने पानी की खोज में, तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो सकते हैं, और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास से मर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है उनके अंदर में आते हैं युधिष्ठिर के जब वो बैठे थे एक जगह पर, ठीक है ना, कि क्या वे जो है अभी भी जो है पानी की तलाश कर रहे हैं या क्या उनके साथ कोई श्राप हो गया है, घटित हो गया है, क्या वे बेहोश हो सकते हैं, क्या वे प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब वे इन विचारों को सह नहीं सके, अनेबल, अनेबल माने असक्षम होना, बियर माने सहना, जब वो सहने में असक्षम हो गए इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट,
ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, मतलब जो है अत्यधिक प्यास से, है ना। ओवरपावरिंग का मतलब होता है अत्यधिक प्यास, ड्राइवन माने खींचे चले जाना, माने अत्यधिक प्यास से, है ना, खींच करके, ठीक है ना। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया, गेव अप फ्रेज है ये, ठीक है ना। ही, इसमें बहुत सारे फ्रेज आपको देखने को मिलेंगे। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने जो है इंतजार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, स्टार्टेड माने चल पड़े, निकल पड़े, आउट माने बाहर, माने वहां से स्टार्टेड आउट, है ना। टू लुक फॉर, लुक फॉर ये भी फ्रेज है, देखिए, टू लुक फॉर माने तलाश में, ना, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों की तलाश में, एंड द पूल और जलाशय की तलाश में, प्यासे भी थे, भाई भी नहीं लौटे थे, इसलिए दोनों बातों को दर्शाया गया है कि अपने भाइयों की तलाश में और जलाशय की तलाश में वो चल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा के साथ कि ही माइट फाइंड देम, कि वे जो है उन्हें पा सकेंगे, ढूंढ पाएंगे। माइट माने संभावना दी गई, माइट संभावना के लिए एक जो है आपकी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब है ये, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसको कह सकते हैं आप। ही माइट फाइंड देम, जो कि संभावना व्यक्त करने, प्रोबेबिलिटी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ही माइट फाइंड देम, ताकि वे उन्हें पा सके। आगे देखते हैं, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिरा जो है दिशा की ओर चल पड़े, डायरेक्शन माने दिशा, प्रोसीड माने आगे बढ़ना, दिशा की ओर आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उनके भाइयों ने अपनाया था, यहाँ पर हैड टेकन का मतलब अपनाना, जो मार्ग उनके भाइयों ने अपनाया था उसी मार्ग की ओर युधिष्ठिर भी चल पड़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, केप्ट ऑन भी एक फ्रेज होता है, निरंतर, केप्ट ऑन का मतलब वॉकिंग माने चलते रहना, यहाँ पर केप्ट निरंतर चलते रहे, थ्रू माने से होकर, है ना, ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब वन मार्ग, यहाँ पर जो जंगलों में जो वन मार्ग होते, दोनों तरफ से जंगल होता है, बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसको ट्रैक्स कहा जाता है, वन क्षेत्र में रास्ते जो होते हैं उनको ट्रैक्स कहा जाएगा। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो करके जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, और जो है हिरनों से भरा हुआ था, स्पॉटेड इसलिए कहा गया क्योंकि हिरनों के जो है सफेद सफेद पीठ में दाग पड़े होते हैं, धब्बे पड़े होते हैं, इसलिए स्पॉटेड डियर। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जो है विशालकाय पक्षियों से भरे हुए जंगल के बीच जो है वो चलते गए, निरंतर चलते गए, टिल, जब तक, प्रीपोजिशन है, ही केम अपॉन, जब तक वे नहीं आए, ठीक है, टिल यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ साथ कंजंक्शन भी आप कह सकते हैं क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो, तब तक चलते रहे जब तक कि वे जो है एक सुंदर से चारागाह में नहीं आए, हरे भरे, ग्रीन शब्द यूज किया गया, ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरा भरा चारागाह, मीडा माने होता है चारागाह, मीडा, अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, एक प्रीपोजिशन है, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर माने साफ सुथरा, है ना, साफ वाटर माने पानी, ठीक है ना, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक जो है साफ सुथरे जो है जलकुंड के आसपास जो एक ग्रीन मीडा था, हरा चारागाह था, ठीक है, तो वहां तक वो गए, जब तक गए जब तक वो उनको मिला नहीं, पूल नहीं मिला, चारागाह नहीं मिला, है ना। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन वेन माने जब, ही सॉ हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा लाइंग देयर, वहां लेटे पड़े हुए थे, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स माने जो है सूखी लकड़ी की तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, रिस्ट्रेन माने रोकना, अनेबल माने न रोक पाना, अनेबल असक्षम होना, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, ग्रिप माने दुख, वे अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने जो अपनी आवाज उठाई, आवाज उठाई माने जोर से बोला, पुकारे, एंड वेप्ट, और वे जोर से पुकार करके रो पड़े। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने जो है भीम और अर्जुनों के मुखमंडल को छुआ, स्पर्श किया, एज दे, जैसे कि दे ले सो स्टिल, जैसे कि वे जो है स्टिल माने स्थिर, एंड साइलेंट कहा गया है बिल्कुल शांत, जैसा कि वे जो है लेटे पड़े हुए थे स्थिर और शांत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, ठीक है, उनको छुआ, उन्होंने थथोल करके देखा, उनको हाथ लगा करके देखा, स्पर्श किया कि क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्यों करके वे जो है बिल्कुल स्थिर अवस्था में, शांत अवस्था में लेटे हुए थे, पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। एंड मॉर्न्ड, और उनको छू करके, उनको स्पर्श करके जो है उन्होंने, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, विलाप किया,
और विलाप करते हुए कहा अपने आप से, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर वेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर वोज। वोज माने होता है शपथ, प्रतिज्ञा, ठीक है ना। वॉज दिस टू बी द एंड, क्या यही अंत है ऑफ ऑल ओवर वोज, हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। प्रश्न किया अपने आप से उन्होंने, युधिष्ठिर ने, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर वोज, क्या यही जो है अंत होना था हमारी प्रतिज्ञाओं का, हमारी शपथ का। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक है ना, व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा एग्जाइल, एग्जाइल माने वनवास, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 13 साल का उनको वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो जब ये अज्ञातवास चल रहा था, मतलब समाप्त होने को था उनकी जो प्रक्रिया थी एग्जाइल की, ठीक है, इसलिए कहा गया व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा जो है वनवास जो है समाप्त होने को है, तो क्या यही अंत होना था उस समय हमारी प्रतिज्ञाओं का। यू हैव बीन टेकन अवे, जो प्रतिज्ञाएं आपने ली है, मौन करते हुए जो है चारों भाइयों को देख करके वो विलाप करते हुए उनसे कहते हैं, है ना, यू हैव बीन टेकन अवे, जो प्रतिज्ञाएं, जो शपथ आप लोगों ने ली है, जैसे भीम और अर्जुन ने जो है शपथ ली थी दुर्योधन और कर्ण को मारने की, तो उसी को याद दिलाते हुए वो कहते हैं यू हैव बीन टेकन अवे, जो प्रतिज्ञाएं, जो आपने जो है शपथ ली है, क्या उसका यही अंत होना था। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, इवन माने यहां तक कि द गॉड्स, आप यहां देख रहे हैं गॉड्स कह रहा है, बहुवचन बनाया हुआ है गॉड्स का, जबकि होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जी को आप देख रहे हैं कैपिटल में दिया गया है, सॉरी स्मॉल लेटर में दिया गया है, जबकि कैपिटल होता है ज्यादातर जी, तो इसका भी कारण है, जब जी कैपिटल होता है तब वो इटर्नल गॉड कहलाता है, एकमात्र है ना सर्वशक्तिमान ईश्वर जब दर्शाते हैं तब हम जी कैपिटल करते हैं, उसका बहुवचन नहीं करते हम लोग। लेकिन जब छोटे देवी देवताओं की बात आती है तब हम उसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, उसका बहुवचन भी बना सकते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे गॉड्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख करके आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन माने कि छोड़ देना मी इन माय मिसफॉर्चून, ठीक है ना, खातिर भी होता है फॉरसेकन, है ना, तो फॉरसेकन मी इन माय फॉर्चून, क्या जो है इसके ही खातिर, फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून माने इस, क्या इसी दुर्भाग्य की खातिर मुझे ईश्वर ने छोड़ रखा है, ठीक है ना। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, यहां तक कि ईश्वर हैव फॉरसेकन मी मतलब इन माय मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य, क्या इसी दुर्भाग्य में ईश्वर ने मुझे छोड़ना था, इसी दुर्भाग्य की खातिर मुझे ईश्वर ने छोड़ा। आगे का पैराग्राफ देखते हैं, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके विशाल काय, माइटी माने विशाल, लिम्स माने शारीरिक अंग, शारीरिक अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, उनको देख करके वे बहुत ही असहाय हो गए, सो माने अत्यधिक, एडवर्ब है यहां पर, ठीक है ना, हेल्पलेस माने असहाय हो गए, ही सैडली वंडर्ड, और असहाय हो करके वे आश्चर्य करने लगे, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, और अपने आप से कहा ही सैडली वंडर्ड, मतलब दुख के साथ, सैडली माने एडवर्ब है, वंडर्ड, वंडर्ड माने जो है उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, हु माने कौन हो सकता है, कुड Have been powerful, इतना पर्याप्त शक्तिशाली, इनफ माने इतना, पावरफुल माने पावरफुल माने शक्तिशाली, पर्याप्त, इनफ माने पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो इनको मार सके, ऐसे चार महारथियों को मार सके, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे महारथी वहां पर मरे पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में, इसलिए वो थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करते हैं वहां पर कि कौन हो सकता है जो इन महारथियों को मार सकता है। Then he too descended into the pool. इसके बाद वे भी जो है जब जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनका रिलेशन जो है, इनकी मृत्यु का रिलेशन इसी जलकुंड से है, इसलिए जब कुछ उनको प्राप्त नहीं होता है तो वो भी जो है उस पानी में उतरते हैं। Descended into the pool. Descended माने उतरना, into the pool का मतलब होता है जलकुंड, जलाशय, वे भी जो है जलाशय में पानी पीने के लिए उतरते हैं। Drawn to the water by an overpowering thrust. Drawn to the water माने खींचे चले जाना, to the water माने पानी की ओर, है ना, by an overpowering thrust, अत्यधिक प्यास के कारण, जैसा कि हमने पहले भी कहा है overpowering माने होता है अत्यधिक, अत्यधिक प्यासे थे वे,
इसलिए बिना किसी सवाल का जवाब ढूंढे वे जो है अत्यधिक प्यास के कारण जो है पानी की ओर खींचे चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, एट वंस माने अचानक तुरंत, जैसे ही वो पानी में जलाशय में उतरे ठीक उसी दौरान, द वॉइस, वॉइस का मतलब आवाज, विदाउट फॉर्म, विदाउट माने बिना, प्रीपोजिशन है, फॉर्म, फॉर्म का मतलब आकृति, यहां पर शरीर के बिना किसी, शरीर के बिना किसी आकृति के, फॉर्म माने आकृति, ठीक है ना, यहां पर तो विदाउट फॉर्म माने बिना किसी आकृति के, शरीर विहीन, जिसको आप कहते हैं शरीर विहीन आवाज ने वार्न्ड, वार्न्ड माने चेतावनी दी, किसको चेतावनी दी, युधिष्ठिर को चेतावनी दी, क्या चेतावनी दी, देखिए अगले पैराग्राफ में है, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मारे गए हैं, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को, वर्ड्स माने शब्द, हीड माने ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, और बिना मेरे शब्दों पर ध्यान दिए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, इसलिए उनका ये हाल हुआ है। ऐसा जो है शरीर विहीन आवाज ने जो है एक बात कही, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मतलब मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर, उस आवाज ने आगे कहा, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन माने, विदाउट माने बिना, आंसरिंग माने प्रश्न का उत्तर दिए बगैर, ठीक है ना, माई क्वेश्चन, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और उसके बाद कैन माने सकते हो, क्वेंच माने मिटाना, है ना, योर थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब जो है प्यास बुझाना, ठीक है ना, क्वेंच माने बुझाना, मिटाना, थ्रस्ट माने प्यास, इसके बाद ही आप जो है अपनी प्यास बुझा सकते हो, अपने भाइयों का अनुसरण मत करो, ऐसा जो है आवाज ने, शरीर विहीन आवाज ने जो है उन्हें चेतावनी दी, और आगे कहा, दीज दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जलाशय मेरा है, आवाज ने जो है एक दृढ़ आवाज में कहा कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है, ठीक है, इसके बाद का जो है हम लोग जल्द ही इसका अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको जो है यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जिक्र हम करेंगे, ठीक है, आज के लिए तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, लाइक का बटन दबा देंगे, बेल आइकन को भी टच कर देंगे, ताकि वीडियो की जानकारी हो सके, ठीक है, थैंक यू।